सर्वे भवन्तु सुखी सलामी कॉम से बोल रहे हैं, राघव राय से बात करवाइए। सर आपके लिए फोन है। हेलो, इकबाल हसन बोल रहा हूँ, आपकी बेगम हमारे कब्जे में है। क्या? और आप खूब जानते हैं कि किसी की जान लेने में हम एक पल भी नहीं कतराते। अगर आप अपनी बेगम की सलामती चाहते हैं तो आपको हमारी एक शर्त कबूल करनी होगी। कैसी शर्त? पिछले महीने आपने एनकाउंटर में हमारे 3 आदमी गिरफ्तार किए थे, उन्हें आपको रिहा करना होगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो ठीक है राघव राय, ऐसा भी कभी हरगिज़ नहीं होगा कि आपकी बेगम सही सलामत आपके पास लौटे। फैसला आप कर, आपको हमसे ज्यादा नफरत है या अपनी बेगम से मोहब्बत? लिसन टू मी, क्या हुआ बेटा? जानकी का अपहरण हो गया। क्या? जानकी का? मैंने फैसला कर लिया, उन आतंकवादियों को हम किसी भी हालत में रिहा नहीं करेंगे। We must show them that this government cannot be blackmailed. देश की रक्षा मेरे किसी भी निजी मामले से ज्यादा अहमियत रखती है और इस बारे में मैं कोई भी समझौता करने को तैयार हूँ। तुम बाहर जाकर देखो सब ठीक है। देखो देखो, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की
तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। फिर तुम जानते हो कि तुम लोगों का हशर क्या होगा। देखो मैं कहती हूँ, मेरे पास पता है ना। भगनिया, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। क्या करूँ? अपने पति से कौन बात की? अपने पति से फोन पर बात कीजिए और भीख मांगिए कि वो हमारी बातें मान ले। जिंदगी भर आप यहाँ पे सड़ती रहेंगी और अपने पति की शक्ल देखने के लिए तरसती रहेंगी। बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो। हेलो राग, राग जानकी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जानकी, तुम कैसे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा जानकी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो जानकी, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। राघव, राघव तुम इन लोगों की बात मत मानो, बिल्कुल मत मान। बेशक बेशक ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। तुम वही करना जो जो देश के हित में हो। तुम इन लोगों के बात बिल्कुल मत मानना, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। हिम्मत मत हारना तुम, जानकी ये बस एक दौर है, गुजर जाएगा। हाँ तुम हिम्मत मत हारना, यकीन करो जानकी, तुम ही तो मेरी ताकत हो। तुम रोने लगोगी तो मैं भी तो कमजोर पड़ जाऊंगा जानकी। तुम फिक्र मत करना जानकी, मेरी फिक्र बिल्कुल बिल्कुल ठीक। राघव मैं ठीक हूँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाके सो जाइए। नहीं, इस वक्त मेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ति हूँ और जानकी तुम्हारी कमजोरी। बस माँ बस, मुझसे और नहीं होगा। अपनी कमजोरी छुपाने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। अपने देश की खातिर, फर्ज की खातिर, दूसरों के सामने भले ही मैं अपने फैसले पर अटल रहूं, लेकिन मेरा दिल जानता है माँ कि हर पल मेरे कदम डगमगा रहे हैं। हर पल मेरा दिल कहता है कि आतंकवादियों को आजाद कर दूं और अपनी जानकी को वापस ले। नहीं राघव, तुम ऐसा नहीं करोगे। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खानदान में
अपनी हर कमजोरी को कुर्बानी का रंग देके उसे भुला दिया है। अपने देश के खातिर तुम्हें भी ये कुर्बानी देनी होगी। आज पूरे देश की नजरें तुम पर टिकी हुई हैं। क्या तुम उन्हें मायूस करोगे? और अगर तुमने उन आतंकवादियों को रिहा कर दिया तो तुम अपनी मोहब्बत तो पालोगे लेकिन खुद अपनी नजरों में गिर जाओगे और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। और रहा जानकी का सवाल, अगर तुम्हें अपने प्यार में विश्वास है तो बेटा वो विश्वास जानकी को तुम्हारे पास जरूर वापस ले आएगा। तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ए, तू चुप बैठ। हमने तुझसे मदद नहीं मांगी। उस्मान, if you can really help, please do. शाइन, हाथ खोल। आप गर्म पानी ले आइए और आप नीम के पत्ते। सर, क्या आप बताएंगे कि उस आतंकवादी गिरोह पर आपने अब तक हमला क्यों नहीं किया? देखिए, बातचीत चल रही है और जब किसी मसले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है तो उसमें खून खराबी की जरूरत नहीं है। क्या ये असली वजह है? क्या ये सच नहीं कि आप इसलिए झिझक रहे हैं क्योंकि आपकी पत्नी उनके कब्जे में है? उन पे कोई भी आंच ना आए इसलिए आप उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, देश का हित किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अहम है और हमेशा रहेगा इस सरकार के लिए। हम लोग कुछ कदम उठाने वाले हैं जल्दी, लेकिन ये कदम हम सोच समझ के उठाना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। एक बार सच सच बताइए, अगर आपकी पत्नी उनके कब्जे में नहीं होती तो फिर भी आप उन पर हमला करने में इतनी देर लगाते? इन बातों से हमारा फैसला नहीं बदलेगा। क्या ये सच नहीं है कि आपकी पत्नी की मौजूदगी उन आतंकवादियों को हौसला बढ़ा रही है? ये सरासर झूठ है और ये विरोधी दल की अफवाहें, इन पे विश्वास ना कीजिए। आखिर कब तक आप अपनी निजी जिंदगी की खातिर देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? इसमें हमारी निजी जिंदगी का कोई सवाल नहीं है, ये देश के हित के लिए जो बात की जा रही है वही की जा रही है। किस हक से आप अपनी पत्नी की जिंदगी के लिए लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डालोगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये किसी का जाति मामला नहीं है। यहाँ जो भी फैसला लिया जाएगा वो राष्ट्र के हित में होगा। Is there any other question? Well, thank you. शाकिर, खबर भिजवा दो कि कल हम जानकी को रिहा कर रहे हैं। लेकिन इकबाल भाई, उस्मान, शाकिर,
लोग आपको यहीं पे लेने आएंगे, हम लोग पीछे रुकेंगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारे दिन में रैम की भावना कैसे जाग उठी? प्लीज जानकी, ये जानने की कोशिश मत करो। बेहतर यही होगा कि जिस तरह दुनिया मुझे दरिंदा समझती है, तुम भी मुझे दरिंदा ही समझो। मैं तुम्हें कभी दरिंदा नहीं समझ सकती, क्योंकि जो रूप मैंने तुम्हारा देखा है उसमें सिर्फ इंसानियत ही इंसानियत झलकती है। तुम चाहो तो अभी ये गलत रास्ता छोड़कर एक नई दुनिया शुरू कर सकते हो, एक साफ सुथरी दुनिया में अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। साफ सुथरी? तुम उस दुनिया को साफ सुथरी कहती हो? उस दुनिया में मैंने नौकरी के लिए दिन रात संघर्ष किया जानकी। उस दुनिया में मेरे बाबा ने इलाज ना हो पाने की वजह से तड़प तड़प कदम तोड़ दिया। मेरी बहन नौकरी के लिए गई और पहले ही दिन उसके साथ बलात्कार हो गया। अदालत की हर चौखट पर दस्तक दी, लेकिन उन अमीरजादों ने अपनी दौलत की ताकत पर इंसाफ को अपने पांव तले रौंद दिया। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हम सब की यही कोई कहानी है। प्लीज जानकी, मुझे रास्ता मत दिखाओ। गलत है या सही, यही एक रास्ता है जिस पर मैं चलकर खुलकर सांस ले सकता हूं। जी माँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, एक मिनट। अभी? अभी, आ जाओ सर। राघव, बहू घर वापस आ गई, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिन हालात में वापस आई है लोगों के मन में शक पैदा हो सकता है। मैं समझा नहीं माँ, क्या कह रही हैं आप? तुम्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि इन आतंकवादियों ने बहू को बिना किसी मांग किए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सौदा किए रिहा कर दिया? सिर्फ मुझे नहीं, सब लोगों को ताज्जुब हो रहा है। और ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जानकी ने इतने दिन उन आतंकवादियों के साथ, गैर मर्दों के साथ वो अकेली रही है। तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ कुछ हुआ होगा? माँ, जानकी वापस आ गई मेरे लिए ये अहम बात है, और किसी बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। तुम नहीं सोचना चाहते, पर लोग तो सोचना शुरू करेंगे। और इससे पहले कि कोई हमारे नाम पर उंगली उठाए या हमारी इज्जत पर सवालिया निशान पड़ जाए, मैं सबके सामने अपनी सफाई पेश करना चाहती हूँ। आप क्या सोच रही हैं माँ? मैं जानकी का मेडिकल टेस्ट करवाना चाहती हूँ। किसी अच्छे डॉक्टर से जांच करवाकर यह साबित करना चाहती हूँ कि हमारी बहू का किसी के साथ संबंध तो नहीं हुआ। माँ,
रिडिकुलस। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? जानकी को ये मालूम पड़ेगा तो मालूम है उसे कितना दुख होगा। जानकी के साथ किसी और के संबंध थे या नहीं, ये मेरे और जानकी के बीच की बात है। जब मेरे मन में ये सवाल नहीं उठ रहा तो किसी तीसरे को ये सवाल करने का क्या हक है? माफ कीजिएगा माँ, मैं जानकी को इस तरह जलील नहीं होने दूंगा। बेटा, कभी कभी इज्जत पाने के लिए जलील भी होना पड़ता है। हमारे समाज में किसी देवी को इतनी इज्जत नहीं दी है जितनी सीता देवी को दी है। फिर भी जानते हुए कि वो निर्दोष हैं, पवित्र हैं, उन्हें फिर भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। माँ, जानकी सीता देवी नहीं है और ना ही मैं राम हूं। अच्छा, मैं खुद ही राम नहीं हूं तो जानकी से क्यों मैं सीता बनने की उम्मीद रखूं? नहीं माँ, जानकी ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी। अपनी इज्जत से ज्यादा मुझे अपनी मोहब्बत प्यारी है। लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारी इज्जत प्यारी है। जानकी, मैं टेस्ट जरूर करूंगी राघव, मुझे कोई एतराज नहीं है। जानकी, लेकिन इस तरह से ना इंसाफी है। जब तक तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है, जब तक तुम्हारे मन में मेरे कोई सवाल या निशान नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं ये टेस्ट जरूर करवाऊंगी। रियली थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। राघव, राघव इधर आओ। बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ? बहू की मेडिकल रिपोर्ट आई है और डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है। उन दिनों बहू के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। उफ, मेरे तो जान में जान आ गई। बहू, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। क्या पढ़ रही हो? बस वही रोज की खबर। आज फिर 12 आतंकवादी मारे गए। एक बात कहूँ राघव, ये खून खराबे से सिर्फ नफरत बढ़ेगी और कुछ नहीं। 10 आतंकवादी मरेंगे तो 100 और खड़े हो जाएंगे। मैं उन लोगों के बीच रह चुकी हूँ, उन्हें समझती हूँ, उन्हें देख चुकी हूँ। जितनी तकलीफ शायद हम लोगों को होती है, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को होती है। उन लोगों ने हमारी मुश्किलों को नहीं समझा, लेकिन हम भी तो उनकी मुश्किलों को नहीं समझते। यू नो राघव, क्या आपने कभी सोचा है कि वो इतने बुरे होते तो क्या मुझे बिना शर्त के ऐसे ही छोड़ देते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन निकालें जिससे उनके मन में प्रेम, हमदर्दी और देशभक्ति की भावना जागे? तुम ठीक कह रही हो जानकी, ये जंग सरकार और आतंकवादियों के बीच में नहीं है, बल्कि प्यार और नफरत के बीच में। मैं कोशिश करूंगा जानकी कि आज के बाद उनको नफरत की नजर से नहीं, बल्कि प्यार और हमदर्दी की नजर से देखो। मे बी इट विल ब्रिंग समथिंग न्यू। थैंक यू। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उन आतंकवादियों की भी तो कोई कहानी होगी जिसकी वजह से वो लोग आतंक की राह पर मुड़े। क्यों ना हम उनसे ऊपरी तौर से सख्ती बरतने की बजाय उनकी मुश्किलों की गहराई तक जाके देखें, उनकी मुश्किलें समझने की कोशिश करें। क्या पता उसी से समस्या का हल निकले। हो सकता है वो लोग सही राह पर हो सकता है हम लोग गलत हों। Who is to say? ये तुम क्या कह रहे हो राघव? तुम उन आतंकवादियों की तरफदारी कर रहे हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। See, terrorism is a big problem in this country. It's a big problem in this world. और जो भी रास्ता हमें इस समस्या के हल तक ले जाए, उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। मैं सिर्फ इंसाफ की तरफदारी कर रहा हूं। हो सकता है इंसाफ के हकदार हम हो, हो सकता है इंसाफ के हकदार वो आतंकवादी। वी हैव टू टेक अ चांस।
देखा आप लोगों ने, राघव राय आतंकवादियों का हमदर्द हो गया है। वो लोगों के सामने उनका पक्ष रखना चाहता है। उसने बेड़ा उठाया था कि वो आतंकवादियों का नामो निशान मिटा देगा, लेकिन आज उनके उद्धार की बात कर रहा है। भाई लोगों, मुझे तो इसमें दाल में काला नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये बदलते घटनाक्रम का एक राज है। सर, वो राज क्या हो सकता है? राधे साहब, आप तो जानते ही हैं, राघव राय की पत्नी का आतंकवादियों ने किडनैप किया। वो कई दिनों तक अपनी पति की गैर मौजूदगी में आतंकवादियों के बीच में रही। कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि आतंकवादियों ने जानकी देवी के नजायज संबंध को हथियार बनाकर राघव राय को ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, या उसे धमकी दी होगी कि उनके साथियों का साथ दिया जाए, नहीं तो जानकी देवी की इज्जत को सारेआम नीलाम कर दिया जाएगा। लेकिन सर, जानकी देवी अपनी अग्नि परीक्षा दे चुकी है और डॉक्टर की रिपोर्ट में साफ लिखा है। राणे साहब, मेडिकल रिपोर्ट झूठी भी हो सकती है। राघव राय ताकतवर इंसान है, कोई भी डॉक्टर रिपोर्ट उसके मुताबिक लिखेगा। लेकिन राणे साहब, हमें राघव राय का पर्दाफाश करना है। और इस चुनाव में हमारा असली मुद्दा होगा जानकी देवी का चरित्र। ताज़ा खबरों के अनुसार विपक्षी दल ने राघव राय पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी पत्नी जानकी देवी के आतंकवादियों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अब आतंकवादियों के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया है। आजकल राजनेता राघव राय की पत्नी जानकी राय और कुख्यात आतंकवादी सरगना इकबाल हसन के संबंधों को लेकर राजनीति का माहौल बहुत गर्मा गया है। गौरतलब है कि आज से 3 महीने पहले श्रीमती जानकी देवी का आतंकवादी गिरोह सलामी कौम के कुछ आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। 3 महीनों के लिए जानकी देवी आतंकवादियों के कब्जे में रही। विपक्षी दल हैरान है कि जो कट्टर आतंकवादी किसी की हत्या करने में जरा भी नहीं कतराते, उन्होंने अपनी हर मांग को भुलाकर जानकी देवी को रिहा कर दिया। उनके इस कदम ने लोगों के जहन में शक पैदा कर दिया है कि जानकी देवी और आतंकवादियों के बीच नाजायज ताल्लुकात बन गए, जिसकी वजह से आतंकवादी पिघल गए। विपक्षी दल ने जानकी देवी को चरित्रहीन और बदचलन ठहराया है, जिसकी वजह से राघव राय की पार्टी की छवि पर दाग लग चुका है। जानकार सूत्रों का कहना है कि इस जानकी कांड की वजह से राघव राय की सरकार गिर नहीं सकती। दिस इज एब्सोल्यूट रबिश। यस, आपने मुझे बुलाया मां? तुम तो जानते हो राघव, बहू की वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है। जानकी की वजह से नहीं मां, बल्कि ऑपोजिशन की घटिया चालों की वजह से। लेकिन लोग तो ये नहीं जानते ना, वो नहीं जानते कि एक चाल है, उनकी नजरों में बहू का आंचल मैला है। बहू जिसकी वजह से जिस खानदान की इज्जत और पार्टी का भविष्य सिर्फ अंधकार में नजर आ रहा है। राघव, मुझे वादा करो कि तुम हमारे पार्टी और खानदान की इज्जत को उन ऊंचाइयों पे पहुंचा दोगे जहां पे पहुंचकर लोग हमें झुक झुक कर सलाम करते थे। वादा करो मुझे। मैं वादा करता हूँ मां, खानदान की इज्जत के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। कुछ भी? जी, कुछ भी। राघव, तुम्हें बहू का बहिष्कार करना होगा। जी, क्या कह रही हैं? भेज देना होगा तुम्हें इस घर से, हमारी जिंदगी से और तुम्हारे दिल से। दूर राघव, बहुत दूर। मां, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत सोच समझकर मैंने ये फैसला किया है। देखो, एक दफा जनता जान जाएगी कि हमने अपने बदचलन बहू का बहिष्कार किया है, उसे घर से बाहर निकाल दिया है,
तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। इतना बड़ा कदम उठाकर यकीनन तुम्हें इलेक्शन में जीत हासिल होगी। राघव, तुम्हें बहू का बहिष्कार करना होगा, तभी तुम जीत पाओगे। और मैं तुम्हें जीतते देखना चाहती हूँ। माँ, क्या फायदा ऐसी जीत का? क्या फायदा ऐसी जीत का जिसकी खुशी में जानकी के साथ बांट नहीं सकता? उस इज्जत का क्या फायदा जिसका नाज उठाने के लिए जानकी मेरे साथ ना हो? ऐसे घर में रहने का क्या फायदा जिसे रोशन करने के लिए जानकी की मोहब्बत ना हो? नहीं माँ, मैं किसी भी कीमत पर जानकी का बहिष्कार नहीं करूंगा। अगर जानकी के जज्बातों की लाश पर मैंने अपनी जीत का सेहरा बांधा तो ये जीत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। जानकी, क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जानकी, कहीं नहीं जाने दूंगा। ठंडे दिमाग से सोचो राघव। जानकी अगर तुम्हारे घर में रही तो तुम्हारे घर की नहीं, हमारी पूरी पार्टी की बदनामी हो जाएगी। देखिए, जानकी और मेरा रिश्ता मेरा जाति मामला है और उसमें कोई भी तीसरा आदमी दखलंदाजी नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? एक पॉलिटिशियन का कुछ भी पर्सनल नहीं होता राघव, उसकी हर सांस जनता में अटकी रहती है। जनता की खुशी उसकी खुशी होती है, जनता का दर्द उसी का दर्द होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। उसे हर कदम अपने निजी स्वार्थ को कुर्बान करना पड़ता है और तुम्हें जानकी को कुर्बान करना होगा राघव। हो चुका, कह चुके आप जो कहना था। मैं जानकी को नहीं छोड़ूं, समझ रहे हैं आप? और इस बारे में आगे कोई भी बात नहीं करिएगा प्लीज। राजनैतिक क्षेत्र में जानकी कांड के कारण आए भूकंप के झटके अब भी महसूस किए जा रहे हैं। ताजा खबरों के अनुसार जन कल्याण दल के अध्यक्ष राघव राय जी को पार्टी की छवि को कालिक से बचाने के लिए अपनी पत्नी जानकी देवी का बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब देखना यह है कि राघव राय जी के अंदर के मंत्री और पति में से किसकी जीत होती है। मुझे पता लगा है कि आपका परिवार आपका बहिष्कार करने की सोच रहा है। तुम पर जो अन्याय हो रहे हैं उसका जिम्मेदार मैं हूं जान। तुम्हारे दामन पर जो दाग लगा है वो मेरी वजह से लगा है। मैं नहीं जानता कि मैं ये दाग मिटा सकता हूं या नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब आसरा देने के लिए हर दरवाज़ा तुम्हारी तरफ बंद हो जाएगा तो मेरा दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो इस पते पर खबर कर दीजिएगा।
सब ने राघव की गैर मौजूदगी में तुमको यहाँ बुलाया है ताकि हम तुम्हें समझा सके कि हमारा फैसला सही है। पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारा परिवार इज्जत की बुनियाद पे खड़ा है और तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बदनामी की वजह से हमारे पूरे परिवार की बुनियाद डगमगाने लगी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ परिवार ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती हमारी हुकूमत भी डोलने लग जाएगी। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए हम सबकी भलाई को नजरअंदाज करना चाहोगे? समझने की कोशिश करो जानकी, तुम्हारे दामन पे जो दाग लगा है वो तो कभी नहीं मिट सकता। कम से कम दूसरों के दामन से लिपटकर उनके दामन पर ही निशान मत लगाओ। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। जहाँ समाज का दामन पहले से ही मैला हो, उसे मैं क्या निशान लगाऊंगी? ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े खानदान को मुझ जैसी लाचार औरत से भीख मांगनी पड़ रही है। I feel sorry for you all. I really feel sorry for you. कर रही हो जानकी? ये क्या बचपना है जानकी? मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही जानकी, मैं जी जान लगा दूंगा इतना ताकि सब तुम्हें स्वीकार कर लें। सब लोग मुझे स्वीकार कर भी लें, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं ऐसे समाज में नहीं रहना चाहती जहाँ अग्नि परीक्षा देने के बाद भी औरत की कोई सुनवाई नहीं। देखिए, मैं बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा हूं जिसका सही उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला। आखिर क्यों आतंकवादियों ने जानकी देवी को बिना शर्त रिहा कर दिया? जानकी देवी के जरिए हम उन आतंकवादियों तक पहुंच सकते थे। आखिर ये आतंकवादियों के खिलाफ ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है? उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? भाई लोगों, मुझे तो लगता है कि जानकी देवी का बहिष्कार महज एक दिखावा है ताकि जनता की सहानुभूति हासिल करके ये चुनाव जीता जा सके। और मुझे ये भी लगता है कि रूलिंग पार्टी और आतंकवादियों के बीच कोई जरूर सांठगांठ है। सब लोग मुझे स्वीकार कर भी ले, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं ऐसे समाज में नहीं रहना चाहती
जहां अग्नि परीक्षा देने के बाद भी औरत की कोई सुनवाई नहीं। हद हो गई राघव, कब तक तुम अपनी उलझनों से झुलसते रहोगे? तुम जानते हो कि पार्टी का भविष्य खतरे में है, लेकिन तुमको पार्टी के किसी काम में दिलचस्पी ही नहीं है। बेटा, तुम्हें अपनी उलझनों को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी नहीं पूरे पार्टी की जिम्मेदारी लेनी है। I don't know, Ma. I don't know what to do. I just don't know. जानकी का ख्याल मैं अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहा हूं। इतना बड़ा अन्याय हुआ, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाया, तो फिर क्या फायदा है इस पावर का, इस रुतबे का, जब मैं अपनी बीवी को ये इतने बड़े अन्याय से बचा नहीं पाया। आप मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने आएंगे ना? क्या जानकी को लेके मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्लीज मां, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जस्ट लेट मी बी। कब तक पुरानी यादों में घिरी रहोगी? एक बार जो रिश्ता खत्म हो जाता है वो दोबारा कभी जिंदा नहीं होता। राघव से अलग होकर अब तुम्हारा और उसका रिश्ता दम तोड़ चुका है। उसमें सांसें भरने की कोशिश करोगी तो मायूसी ही मिलेगी। माँ, राघव और मैं जुदा ही कब हुए थे? जो मिलने या ना मिलने का सवाल उठे, हमारे दिल अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमेशा रहेंगे। हेलो जानकी, मैं बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? आप जैसे। मेरी याद आती है? तुम्हारी याद? तो मैं भूला थोड़ी हूँ जानकी, जो तुम्हारी याद आएगी। जानकी, कैसी अजीब बात है ना, जिसे मैं एक पल को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था, आज उसे ही देखने के लिए आंखें तरस गई हैं।
जानकी, क्या हम कभी नहीं मिल पाएंगे? कोई तो ऐसी जगह होगी जानकी। है ना ऐसी एक जगह जहाँ हम पहली बार मिले थे, जहाँ हम दोनों अजनबी से दोस्त बने थे। क्यों ना उसी जगह हम दो अजनबियों की तरह मिले। जानकी, जिस दिन तुम मेरे लिए अजनबी हो जाओगी ना, समझ लो मेरी जिंदगी मेरे लिए अजनबी हो जाएगी। आई लव यू जानकी। याद है जानकी, शादी से पहले हम लोगों की नजरों से बचने के लिए यहाँ छुप छुप के मिला करते थे। मुझे लग रहा है वक्त जैसे पलट गया हो, हम लोग वापस उसी दौर में आ गए जब छुप छुप के मिलना पड़ रहा है। किस्मत से कौन लड़ सकता है, जो होना है वो तो होकर ही रहता है। बस तुम ये इलेक्शन जीत जाओ, मैं तुम्हारी कामयाबी देखकर दूर से खुश हो जाऊंगी। मुझे नहीं लगता मैं इलेक्शन जीतने वाला हूं जानकी। ऑपोजिशन वालों ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने आतंकवादियों से समझौता कर लिया। ये लोग समझते ही नहीं कि आतंकवाद कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और उसको सुलझाना कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है। मैं कर रहा हूं कोशिश, लेकिन सब मुझे गलत समझते हैं। I don't know what to do, Janki. तुमने कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मुझे तुम्हारे पास चले आना चाहिए। कैसी मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जानकी, मेरे आत्मसमर्पण से तुम्हें क्या फायदा होगा? मुझे नहीं, मेरे पति को फायदा होगा। उनके सर पर लगे हुए सारे इल्जाम झूठ साबित हो जाएंगे। एक बार फिर से सब लोग उन पर भरोसा करने लगेंगे और वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तुम मुझसे आत्मसमर्पण अपने पति की खातिर करवाना चाहती हो? मैं आत्मसमर्पण किसकी खातिर करूंगा? जानकी, मेरा कौन है इस दुनिया में? तुम अब भी कहोगे कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? हम लोग हथियार जरूर डाल रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक आप लोगों से विनती है। अगर आप चाहते हैं कि हम जैसे आतंकवाद फिर से जन्म ना लें, तो आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। आपको याद रखना होगा कि जब कोई गरीब नौकरी के लिए आए, उसे यह ना पूछा जाए कि उसके पास सिफारिश है या नहीं, बल्कि उसकी आंख में छिपी मजबूरी और दर्द देखा जाए। जब कभी किसी औरत का बलात्कार हो, यह ना देखा जाए कि वो किसी बड़े बाप की बेटी है या नहीं, बल्कि उसकी इज्जत पर लगे दाग को देखा जाए, जिसको लेकर वो जिंदगी भर जिएगी और जमाने की ताने सहेगी। जब कभी कोई मासूम इंसाफ के लिए आवाज उठाए, तो ये ना देखा जाए कि वो कितना ताकतवर है, बल्कि उसकी लाचारी को देखा जाए, जिसकी वजह से वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अदालत की तरफ आखिरी उम्मीद लेकर आता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो कल फिर एक और इकबाल जन्म लेगा, बार बार लेगा।
एक बार फिर राघव राय भारी बहुमत से जीत गए हैं। उन्होंने विपक्षी नेता अशोक चक्रधर को 10 लाख वोटों से हराकर ये साबित कर दिया है कि जनता उनके साथ है और वही गरीबों के सच्चे सेवक हैं। देश का नेता कैसे हो? राघव भैया जैसे हो। देश का नेता कैसे हो? राघव भैया जैसे हो। देश का नेता कैसे हो? राघव भैया जैसे हो। क्या सजा सुनाने जा रही है आपकी सरकार? मैं तुम्हें सजा सुनाने नहीं आया इकबाल, मैं यहां मंत्री की हैसियत से भी नहीं आया, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर आया, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना, क्योंकि जो भी कुछ आज मैं हूं उस कामयाबी में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुम यहां नहीं होते तो मैं भी आज यहां नहीं होता। मैं तुमसे वादा करने आया हूँ कि जो भी नाइंसाफी तुम्हारे लोगों के साथ आज तक होती आई है उसे मेरी सरकार रोक देगी। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा, मैं तुम्हारी हर खुशी के लिए वादा करने आया हूँ, हर तरह से। मानता हूँ, लेकिन एक खुशी है जो आप मुझे अभी इसी वक्त दे सकते हैं। बताओ। मेरी बहन जानकी का हाथ आप दोबारा थाम, इसी में उसकी खुशी है, मेरी खुशी है और इसी में आपकी भी खुशी है। ये क्या है? मेरा त्याग पत्र। क्या? तुम पार्टी से रिजाइन करने वाले हो? जी, मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, तुम अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। मैं अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटा। मां, पार्टी के नेता का फर्ज मैंने निभा दिया, पार्टी को जीत दिलाकर।
एक बेटे का फर्ज मैंने निभाया है, आपकी हर बात मानते हैं, जनता के सेवक का फर्ज मैंने पूरा किया, अपने सारे फर्ज पूरे कर चुका हूं, बस एक नहीं कर पाया, पति का फर्ज। मैं ये सब छोड़ रहा हूं ताकि जानकी के पास जा सकूं और उसी दिन लौटूंगा जब इस समाज का नजरिया बदल जाएगा और जानकी का यहां स्वागत होगा। जानकी तो अपनी अग्नि परीक्षा दे चुकी मां, अब वक्त आ गया मुझे अपने प्यार की अग्नि परीक्षा देने का। जानकी, तुम रो रही हो? मैं वापस आ गया हूं जानकी तुम्हारे पास हमेशा के लिए। मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा।